मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना से दोनों हाथों से जिंदगानी रहे ओ हो जिंदगानी रहे ओ मैया ओ गंगा मैया ओ मैया ओ गंगा मैया पीछे वाले भी जय हो गंगे मेरे जीवन के ओर खेवैया मेरे जीवन के ओर खेवैया तेरे हाथों में है मेरी नैया तेरे हाथों में मेरी नैया दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे मेरी पूजा तेरी ही दीवानी रहे ओ दीवानी रहे मैया ओ गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे ओ जिंदगानी रहे ओ मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया हर हर महा इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर चार चार पूड़ी रखी जाती है आप लोगों को तो मालूम होगा आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा सीरा मतलब हलवा रखा जाता है और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र साड़ी पांच वस्त्र सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है और रखने के बाद में हाथ में कंकु चावल हल्दी लेकर संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है कामना करी जाती है हे चौथ माता हे करवा चौथ हे चतुर्थी माँ मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है मेरे इस व्रत को स्वीकार करना मेरा सौभाग्य का मेरा मांग का सिंदूर मेरी भाल की बिंदी मेरे हाथ का चूड़ा मेरी पाँव की बिछोड़ी इसको अमर करना माँ और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना तब उस साड़ी को उस वस्तु को उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को जो घर में सासू होती है उसको दिया जाता है सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ अब आज के जमाने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री स्त्री को भोजन करा देती है पुरुष को नहीं कराती पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए उसकी पत्नी
और अपन ने तो सोचा कि चौथ माता को अध्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला अध्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं है, उसका आनंद नहीं है। और देने का भी फल है महाराज। करवा चौथ का अध्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ, जो जिसको जो अपने घर का हो उसको अध्यापन में नहीं गिनो, अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना, पर अपन ने उन्हीं को गिना नहीं, हमारी बड़ी जीजी के गिन लो ने, छोटी जीजी गिन लो ने, भांजी के गिन लो ने, उसके गिन लो ने, उसके गिन लो, मैं 13-14 ऐसे ही इकट्ठा कर लिया, मैं साहब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए, ये तो तुम अध्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार है। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती है, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है, बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं, बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभी उन बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहा है, देना हो तो ठाट से हमारा हक दे रही हो, हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो, हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए, हम तो दान दो, अब तुम क्यों नहीं, तो हम तो दान दे रहे हैं बहन बेटी के, दान दे रहे हैं तो बहन बेटी को दान ले क्या, बहन बेटी के कई पड़े तुमसे दान मांगे, इतना बहुत तो वो खुद दान करिया है, कई दान ले, वो तो हक ले रही है, दान नहीं, दान नहीं मांग। अब वस्त्र दिया, सिंगल नहीं, एक नहीं, दो प्रदान करो, पांच दो, भाग दिया। करवा चौथ का जब उद्यापन करो तो आप चौथ माता से विनय कर कर निवेदन कर कर, साल भर में एक दिन चलनी में मुंह देखने से चार बार तो पति से बोल दिया, आज करवा चौथ है मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। पति बोले 3 दिन पहले से तो साड़ी के लिए प्राण खा गई, अब कुछ नहीं खाए तो कब खाए, एक दिन ना खाएगी तो। एक पति घर में कुछ काम कर रहा था, इतने में पत्नी आ गई मायके से, क्या कर रहे हो? पति बोला रुपया जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली मुझे मालूम था तुमने कहा था करवा चौथ मंगल सूत्र दिलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो। पति बोला नहीं री, 20 का नोट फट गया तो जोड़ रहा हूं। सोचे जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। और इस भजन की सबसे सुंदर लाइन आपके लिए है, बड़े प्रेम से सुनो, कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा कहीं की ऐसी मिल गई राम, पूरे घर में नरक नजर आएगा। जिसके घर सुलक्षण नारी हो, मर्यादा में रहने वाली, संस्कारवान, सेवा पूजा भजन में रमने वाली, वो घर चार धाम के बराबर है। चार धाम उस सुख का, तो भगवान कपिल देव माता देवहूति से कह रहे, मां बुढ़ापे में भगवान घुटना इसलिए तोड़ता है कि तू कहीं मत जा,
बुढ़ापे में कपिल देव से माता देवहूति कह रही है नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है बुढ़ापे में। भगवान कहते हैं माँ बुढ़ापे में नेत्रों से इसलिए दिखना बंद हो जाता है कि संसार को खूब देख लिया, अब अपने भीतर झांक के देखो कि अपन ने अपनी जिंदगी कैसे निकाली। देवहूति माता कहती है बुढ़ापे में सुनना कम हो जाता है, सुनाई नहीं देता। कपिल देव जी कहते हैं अच्छा है सुनाई नहीं देता, बहुत सुन लिए, अब अपने दिल की सुनो मन की। इतने में देवहूति माता बोली बुढ़ापे में हाथ, अरे बोलो तो, धूजने लगते हैं। कपिल देव जी कहते हैं माँ इससे बड़ा कोई खुशी की बात नहीं होगी, भगवान बुढ़ापे में हाथ इसलिए धुजाता है कि माला पकड़ के जब बैठेगी और हाथ धुजेगा तो एक मनके की जगह 6-7 टपक जाएंगे और 6-7 का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे जैसा सुख भी नहीं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु बुढ़ापा है। शास्त्र कहता है बचपन में भगवान के आगे झुक लो, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक लो, जवानी तक नहीं बना तो अधेड़ी में भगवान के आगे झुक लो, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता है, फिर दुनिया के आगे झुक झुक के चलना पड़ता है और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए पहले ही झुक लो, झुकने में कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जिसको ज्यादा अकड़ में कहीं का दिखे ना, बहुत अकड़ में दिखे, समझ लेना मर गया। किसी को धन का अहंकार हो, किसी को सत्ता का अहंकार हो, किसी को सुंदरता का अहंकार हो, और जो बहुत अकड़े समझ लेना तो मुर्दा, ये जिंदा है ही। अहंकार में जो अकड़ रहा है वो मुर्दे के तुल्य हो, वो मुर्दे कैसे झुक लो। नंबर प्रेम वात्सल्य। जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संघ में रह रही थी, पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथन पर। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं। पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था, पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं, ध्यान देना। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है, मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत, ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं उससे हजार गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों है, तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई, इसलिए हनुमान के मंदिर बने। हमारे यहाँ सेवा पूजा की करवा गई, करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है और करवा शिव की उपासक थी।
करवा शंकर की उपासना और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासना थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली। पति का पांव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा। नहीं तो पहले नियम था, दीवार पर बनाई जाती थी करवा और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहां पर, आज भी पहले दीवार पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा करवा भागी। और शिव आराधना में लगी हुई करवा पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना तीर फाड़ा, फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा। और कितना सात्वता में बल होगा जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक एक घास से, मात्र एक घास एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया, मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत करवा ने पूछा, तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं, तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा, पति अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा है। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते, तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा, मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा, इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है, ऐसा हो। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही, क्रोध आ गया करवा तो हाथ में जल उठाया, अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठा कर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा, तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं, वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है, मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया यमराज, जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा, मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग
भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद, सुख देने वाला, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है। ये दिखाती है, चिल्लाने लगी, पति उठा, उठकर उसने कहा, जल पीने के लिए गया था जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित भी रह गया, जीवित दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था, मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि पानी पीने के लिए ही गया था। जल पीने के लिए गया था, मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आता, और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी, पति उठा, उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया, बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला रहा है, करवा चौथ का पति पत्नी को आचमन कराया। ये करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहां से आई, तो आप बता सकते हो, इस कथा को आज की क्लिप को काट कर जनमानस तक भेज सकते हो कि ये कथा का विस्तार आप अपने जीवन में सुनिए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का वर्णन कराया, फिर एक कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई।